हेलो एवरीवन, तो आज है सैटरडे और मैं शायद 3-4 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। और मौसम काफ़ी अच्छा था, खुला था, बहुत ही मतलब बारिश नहीं हो रही थी। बोल सकते हो कि बारिश हो भी रही है, नहीं भी हो रही है। जब नहीं होती तो एकदम धूप निकलती है, गर्मी होती है, और जब होती तो एकदम ठंडा होता है। फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग बताइएगा आप लोग के सिटी में कैसा है मौसम। तो देख सकते हो एकदम काफ़ी साफ मौसम था और गर्मी होने लगी थी, मतलब इतना धूप निकल चुका था। तो सैटरडे को आप लोग भी सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिस का काम था दूसरी जगह, जो काफ़ी दूर था हमारे लोकेशन से, तो हम लोग सोचे कि मेट्रो से चलते हैं। मेट्रो से हम लोग थोड़ा सा ना रिलैक्स महसूस करते हैं, थोड़ा बहुत घूमना हो जाता है। रमज़ान को मेट्रो में घूमना बहुत पसंद है। तो हम लोग आ चुके थे मेट्रो स्टेशन और देख सकते हो अभी तो सुबह मॉर्निंग का टाइम था, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग शायद 10-10:30 बजे घर से निकले थे और मौसम अच्छा होने के वजह से कि यार ठीक है थोड़ा बहुत घूम लेंगे, तो हम लोग बस वहीं जा रहे थे। ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना हम लोग कहाँ गए, कैसे घूमे। और उसके बाद में हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे। मॉर्निंग में ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो इजीली सीट भी मिल जाती है, नहीं तो कई बार पूरा मेट्रो में आप लोग को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी बैठने की और आपको पूरा टाइम खड़े होकर आना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, मेट्रो में खड़े होकर आने में भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज़ फुल एसी वाला मेट्रो होता है तो उतना गर्म भी नहीं लगता है, लेकिन क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है। हम लोग वेट कर रहे थे यहाँ पे, हम लोग ने एकदम लाइट लाइट कपड़े पहने थे क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो पता था कि हम लोग थकने वाले हैं बहुत, हम लोग को गर्मी होने वाली है। तो फाइनली मेट्रो आ चुकी थी और सीट भी हमको काफ़ी अच्छे से मिल गया था। और अफजान मेरे को बैठने नहीं दे रहा था। आजकल अफजान को भी एक सीट लगती है क्योंकि उसे बाहर विंडो से बाहर देखना होता है, तो मुझे उठा दिया था कि मैं बैठूँगा। तो मैं बस उसको देख रही थी और वो बिल्कुल बैठ के पूरा पूरा व्यू का मज़ा लेता है, पूरा सिटी का मज़ा लेता है, और बिल्कुल भी मुझे बैठने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं उसको साइड में करके बैठ गई और हम लोग आ चुके थे। मेरे हस्बैंड के जो काम से हम लोग आए थे वो चले गए थे अंदर, मैं और अफजान बाहर वेट कर रहे थे। तो हमें वहाँ दिख गया फ़िश टैंक, तो हम मेरा बेटा तो फ़िश का बहुत ज़्यादा दीवाना है, तो फ़िश देख के वो इतना एक्साइटेड हो गया। हम लोग बहुत देर तक ये फ़िश के पास टैंक के पास बैठ के बहुत मस्ती करें, और वो बहुत खुश हो रहा था, इतना क्लोजली वो फ़िश देख रहा था। मैं कई बार सोचती हूँ कि फ़िश टैंक रखूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं शायद उसको उतना हैंडल नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद हम लोग को भूख लग चुकी थी, शायद 1:30 बज गया था, ज़्यादा ही हो गया था। तो पहले सोचा कि और कहीं जाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। तो हम लोग आ चुके थे बीकानेर रेस्टोरेंट, आप लोगों को शायद पता होगा, अच्छा हल्दीराम जैसा ही है ये भी, अच्छा मतलब यहाँ सारी चीज़ें मिलेगी और ये वेजिटेरियन है। तो हम लोग वेज थाली मंगाए थे, सब कुछ था, मिक्स वेज था, पनीर था, राइस, दाल मखनी, रोटी, पापड़। आप रोटी चाहो तो नान भी मंगा सकते हो, और नहीं तो चाहो तो आप तवा रोटी भी खा सकते हो। और मैंने मंगाया था अपने लिए वेज मंचूरियन, बहुत टेस्टी था, बहुत क्रंची था, मज़ा आ गया। एकदम फुल हो चुके थे हम लोग खाने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे क्योंकि हम लोग इतना दूर आए थे, तो सोचा कि अब आए हैं तो हैदराबाद की शान समझ सकते हो आप लोग कि मैं आ चुकी थी चार मीनार में, और इतना पास हम लोग का काम था, तो सोचे चार मीनार नहीं आए तो क्या है। तो हम लोग फाइनली खाना खाने के बाद हम लोग चार मीनार आ चुके थे। बहुत क्राउड था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैं जब भी चार मीनार आती मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी भी उतनी होती, बहुत तेज़ धूप थी, समझ ही नहीं आ रहा था। सोचा कि थोड़ा बहुत घूमते देखते कुछ होगा, बच्चों के लायक या कुछ ऐसी घर का कुछ सामान होगा, तो हम लोग घूम ही रहते। लेकिन गर्मी की वजह से अफजान भी थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था, थोड़ा सा चिड़चिड़ कर रहा था, लेकिन तो अब आ ही गए थे तो सोचा कि एक राउंड लगा ही लेते हैं, कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देख सकती हूँ चार मीनार का पूरा मार्केट था, सब बेसिक चीज़ें मिल जाएगी, ज्वेलरी मिल जाती है, बच्चों के लिए टॉयज़ मिल जाते हैं, और पर्स है, और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन हाँ, खैर मुझे उतना अभी कुछ लेना नहीं था क्योंकि धूप बहुत थी, तो सोचा आप लोग को दिखा दूँ कि अगर आप लोग को आना है इधर चार मीनार, तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी बेसिक से एक स्ट्रीट मार्केट टाइप का लगता है, लेकिन हाँ रिजनेबल रहता है रेट में, और चाहो तो आप ले सकते हो, कई चीज़ें रहती बहुत रिजनेबल रेट में रहती हैं। तो बहुत क्राउड तो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग रिटर्न होते हुए तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पानी उठा था और बहुत क्लाउडी हो चुका था, लग ही नहीं रहा था कि थोड़ी देर पहले तक इतना तेज़ धूप, तो इतने जल्दी फ्लक्चुएट हो रहा है ना मौसम कि बॉडी रिएक्ट करने लगी है, मतलब ठंडा गर्म से बॉडी में बहुत जल्दी बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, और हम खुद मुझे खुद को भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, अनईजी लग रहा था। बस हम लोग फिर फाइनली अपने घर की ओर जाते हुए थक चुके थे बहुत ज़्यादा क्योंकि मॉर्निंग से निकले थे, दोपहर तक तो मेरे हस्बैंड का काम ही चला। बस यही था छोटे से ब्लॉग में, थैंक यू।